आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट जिसका नाम है कस्टमाइज चैटबॉट। कस्टमाइज चैटबॉट बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक चैटबॉट होता क्या है। चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका क्वेश्चन लेता है, उसे इंटरप्रेट करता है और आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर करता है। चैटबॉट आजकल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, जैसे कि चैट जीपीटी और बार्ड। चैट जीपीटी और बार्ड भी एक चैटबॉट ही है, बट उनकी नॉलेज लिमिटेड है, इसीलिए हमने डिजाइन करा है कस्टमाइज चैटबॉट। ये कस्टमाइज चैटबॉट में हमारे पास ये प्रॉफिट होगा कि हम उसको अपना खुद का डॉक्यूमेंट दे पाएंगे, मतलब वील बी एबल टू टॉक टू आर ओन डॉक्यूमेंट। हम उसको अपने डॉक्यूमेंट देंगे और उस पर हम अपना क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमें उस डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके बताएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब इस वीडियो में आप ना ही केवल चैटबॉट बनाएंगे, आप उस चैटबॉट का पूरा इंटरफेस भी डिजाइन करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा ये सीएलआई बेस्ड नहीं होगा, मींस कमांड लाइन इंटरफेस नहीं होगा, इसका इंटरफेस जीयूआई होगा। तो लेट्स सी कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसका इंटरफेस कैसे होने वाला है। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपका जिसमें आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है। हमने अपनी फाइल अपलोड कर दी है, वो थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, जिससे कि वो आपके सिस्टम में लोड हो जाए फाइल। इसके बाद आपको अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, जैसे हमने लिखा व्हाट इज द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ फिनलैंड। हम ये क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कंट्री बेस्ड डॉक्यूमेंट है। कंट्री बेस्ड मतलब कंट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने एक क्वेश्चन डाल दिया है। अब देखिए हम लोग करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें काम कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या क्या लाइब्रेरीज यूज करनी है वो देख लेते हैं। लैंगचेन एक पाइथन में लाइब्रेरी है जिसके अंदर के बहुत सारी सब लाइब्रेरीज या कहिए सब मॉड्यूल्स हम यूज करेंगे, जो कि है पहला डॉक्यूमेंट लोडर। डॉक्यूमेंट लोडर हम लोग इसलिए यूज करेंगे जिससे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आए उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सके। रिकर्सिव कैरेक्टर्स टेक्स्ट स्प्लिटर से हम लोग ये करेंगे कि जो भी हमारे पास डेटा आएगा उस डेटा को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ने के लिए हमारे पास रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर होगा। हगिंग फेस एम्बेडिंग्स का हम लोग यूज करेंगे, फेस का हम लोग यूज करेंगे जिससे कि हम अपने लोकल सिस्टम पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाए और उससे आंसर रिट्रीव भी कर पाए। एट द एंड हम चेन्स का यूज करेंगे आंसर निकालने के लिए। तो लेट्स सी हम लोग ये कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है सारी चीजों को इंपोर्ट करना। तो टिल हियर हमने सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इनको इंपोर्ट कर लिया है। आफ्टर दैट लेट्स सी कि हमारा फंक्शन रन कहाँ से करेगा। सबसे पहले हमारे में होगा डेमो डॉट क्यू और होगा डेमो डॉट लॉन्च। डेमो क्या है, डेमो इज अ इंटरफेस ऑफ ग्रेडियो। ग्रेडियो क्या होता है, ग्रेडियो मतलब कोई भी हमें अगर वेबसाइट बनानी है यूजिंग पाइथन तो हम लोग ग्रेडियो का यूज करते हैं। ग्रेडियो से कुछ स्टेटमेंट से ही आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो ग्रेडियो को हमने यहाँ पे कैसे यूज कर रहा है, हमने डेमो बनाया है। डेमो क्या है, डेमो एक इंटरफेस है जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। पहला कंपोनेंट है फाइल आउटपुट, सेकंड कंपोनेंट है अपलोड बटन, थर्ड कंपोनेंट है एक चैटबॉट, फोर्थ कंपोनेंट है टेक्स्ट बॉक्स और फिफ्थ कंपोनेंट है एक क्लियर बटन। लेट सी कि ये वर्क कैसे करेगा। तो अब हमें क्या करना है, फाइल आउटपुट में क्या होगा हमारे पास, अगर आप देखें तो हमारे जो यहाँ पे इंटरफेस है ये है फाइल आउटपुट। यहाँ पे दिखाता है कि फाइल की लोकेशन क्या है, ये फाइल का नेम क्या है, फिर ये हमारा फाइल अपलोड बटन आता है। तो हम लोग यही करेंगे, पहले हम लोग ने फाइल का लोकेशन वाला पार्ट डाला, उसके बाद हम लोग ने दिखाया कि अपलोड बटन। अब हमें अपलोड बटन पे काम क्या करना है, अपलोड बटन डॉट अपलोड से हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि अपलोड बटन पे जब क्लिक हो तो काम क्या हो ना। अपलोड बटन डॉट अपलोड करा हमने, इसके बाद जो हम लोग को तीन आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एक फंक्शन होगा। फंक्शन क्या स्पेसिफाई करेगा कि ये जब बटन प्रेस होता है
तो कौन सा फंक्शन कॉल हो। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट एज एन इनपुट भी ले रहा होगा, तो वो आर्ग्यूमेंट जो एज एन इनपुट ले रहा है वो सेकंड में हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। मतलब क्या कि अपलोड बटन में जो भी हमने फाइल को स्पेसिफाई करा वो एज एन इनपुट अपलोड फाइल फंक्शन को दे दो। यही कह रहा है यहाँ पे क्या कि अपलोड फाइल एक फंक्शन है, इस फाइल फंक्शन, इस फंक्शन को हमें कुछ आर्ग्यूमेंट देना है, वो आर्ग्यूमेंट अपलोड बटन देगा। आफ्टर दैट इसका आउटपुट कहाँ डिस्प्ले करेंगे, वो हम फाइल आउटपुट कॉम्पोनेंट में डिस्प्ले करेंगे। अब देख लेते हैं ये अपलोड फाइल फंक्शन करता क्या है। हमारा अपलोड फाइल फंक्शन यहाँ बना हुआ है। अपलोड फाइल फंक्शन पहले क्या करता है, फाइल्स लेता है। फाइल्स मतलब लोकेशन लेता है, कौन कौन सी फाइल अपलोड हुई है उसने लिया, और फिर उन सबको अपेंड करके फाइल पाथ्स करके एक लिस्ट में अपेंड कर देता है। इसके बाद वो कॉल करता है लोड फंक्शन को। अब हम लोग समझते हैं कि लोड फंक्शन क्यों कॉल हो रहा है। लोड फंक्शन पे आए तो इसमें भी हम लोग ने फाइल के सारे पार्ट्स का लिस्ट दे दिया। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम लोग सबसे पहले एक db_face_path स्पेसिफाई करेंगे। ये हम इसलिए स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि हम लोग को एक पाथ देना होगा जहां पे हमारा डॉक्यूमेंट का पूरा डेटा स्टोर हो, तो वो पाथ हम इससे स्पेसिफाई करेंगे। ये लाइन वो पाथ स्पेसिफाई करती है जहां पे हमारा डेटा हो। देखिए एक बार ऑलरेडी रन करवाया था तो यहाँ पे स्टोर्ड है। देखिए वेक्टर स्टोर db_face_2019 और उसके बाद दोनों फाइल बनी हुई है जो हम आगे समझेंगे कि कैसे बन रही है। अब आप देखेंगे पहले तो हमने ये बस पाथ डिफाइन करा है, हमने पाथ के साथ कुछ करा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ये स्पेसिफाई, हम लोग ने ये चार पार्ट में डिवाइड करा है कि अगर जो फाइल हमने अपलोड करी है वो .csv फाइल है तो हम csv लोडर का इस्तेमाल करेंगे लोड करने के लिए, pdf फाइल है तो pdf लोडर, json फाइल है तो json लोडर, और टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट लोडर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लोडर को इनिशियलाइज कर रहे हैं बस। यहाँ पे हम लोग डेटा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ लोडर को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हमें कौन से टाइप का लोडर चाहिए। अब आफ्टर दैट हमने दो वेरिएबल ऑलरेडी बना रखे थे, डेटा और टेक्स्ट चंक, ये हमने ऊपर बना रखे थे। डेटा और टेक्स्ट चंक ये दो वेरिएबल हमने ग्लोबल बना रखे थे, तो हमने वही दो ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करा। और डेटा में हमने क्या कर दिया, लोडर डॉट लोड। इससे क्या हुआ, जितनी भी फाइल में डेटा था वो लोड होके डेटा वेरिएबल में आ गया। डेटा वेरिएबल में आ तो गया, अब हमें क्या करना है, सिंस अब आप लोग थोड़ा समझिए कि हम लोग जो चैट जीपीटी है या फिर समझ लीजिए जो बार्ड है, ये सब एक LLM पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, LLM पे। LLM क्या होता है, LLM होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये है कि उसको आप कोई भी टेक्स्ट दो और वो अपने आप सोच के जनरेट करेगा कि नेक्स्ट इसके बाद सेंटेंस क्या होना चाहिए। जैसे हमने उसको टेक्स्ट दिया आई एम अ ह्यूमन, नहीं हमने उसको सेंटेंस दिया आई एम अ, तो वो अपने आप प्रेडिक्ट करेगा ह्यूमन। तो दिस इज कॉल्ड जनरेशन इन LLM। ये जनरेटिव AI का एक पार्ट होता है। तो हम LLM यूज करेंगे। नाउ LLM हम कौन सा यूज करेंगे, बहुत सारी कंपनीज ने अपना अपना LLM रिलीज कर रखा है। जैसे फेसबुक ने लामा 2 कर रखा है, OpenAI ने अपना कर रखा है चैट जीपीटी, जीपीटी फॉर ऑल करके, तो ये सब LLMs हैं। लेकिन OpenAI का जो है वो है थोड़ा प्राइसी, उसमें एक पॉइंट के बाद आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। वाइल जो फेसबुक ने लॉन्च करा वो है लामा 2, जिसकी फाइल हमने यहाँ पे स्टोर कर रखी है। लामा 2 जो रिलीज करा ये फ्री था, तो इसलिए हम लोग लामा 2 यूज करेंगे। बट लामा 2 यूज करने में एक लिमिटेशन थी कि हम उसको क्वेरी एक बार में सारी नहीं दे सकते। उसकी लिमिट है कि वो 1024 बिट्स ही एक बार में लेती है। इसलिए हम लोग इस पॉइंट पे टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे, और ऐसे स्प्लिट नहीं करेंगे कि आधा वर्ड एक
चंक में रहेगी, आधा वर्ड दूसरे में। हम लोग सिमेंटिकली स्प्लिट करेंगे, मतलब मीनिंगफुल वे में। मीनिंगफुल वे मतलब समझ लीजिए कि अगर लिखा है आई एम अ ह्यूमन, तो ऐसा ना हो कि पिछले चंक में आई एम अ चले जाए और नेक्स्ट चंक में ह्यूमन चला जाए। तो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, और उस चीज का ध्यान रखने के लिए हमारे पास है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। इससे क्या होगा, हम लोग पहले यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिटर को डिफाइन कर रहे हैं। क्या क्या डिफाइन करेंगे कि हमारा चंक साइज क्या होगा, मीन्स हमारा एक एक चंक कितने साइज का होगा, और चंक ओवरलैप क्या होगा। चंक ओवरलैप का मतलब है कि अगर पिछले सेंटेंस में, पिछले चंक में आई एम अ आ गया है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी आई एम अ ह्यूमन ओवरलैप हो जाए, जिससे कि क्या हो, नेक्स्ट जो चंक हो वो भी मीनिंगफुल हो और ऊपर वाला चंक भी मीनिंगफुल हो, मीन्स दोनों में कुछ पार्ट सेम हो जाए जिससे कि दोनों मीनिंगफुल लगने लगे। अब देख लीजिए, एट अ हाई लेवल टेक्स्ट स्प्लिटर्स वर्क एज द फॉलोइंग। दे स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू स्मॉल सिमेंटिक लिल मीन्स मीनिंगफुल चंक्स, ठीक। देन स्टार्ट कंबाइनिंग दीज स्मॉल चंक्स इनटू लार्जर चंक्स अंटिल यू रीच अ सर्टेन साइज। हमारा सर्टेन साइज यहाँ पे क्या है, 500। उसके बाद वंस यू रीच दैट साइज मेक दैट चंक, उसके बाद वंस यू रीच दैट साइज मेक दैट चंक इट्स ओन पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू चंक ऑफ टेक्स्ट विद सम ओवरलैप। मतलब समझ रहे हैं, ओवरलैप करते करते मीनिंगफुल बनाते बनाते आपको चंक बनाना है। हमने यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिटर को इनिशियलाइज कर दिया, अब हम टेक्स्ट स्प्लिटर को अपना डेटा देंगे। तो टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डेटा डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हमने अपना डेटा दे दिया। टेक्स्ट चंक अब एक लिस्ट बन चुका है जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट के चंक्स हैं। नाउ नेक्स्ट, ये तो हमारी टेक्स्ट चंक्स बन गए। अब हमारे पास आता है मेन चीज, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या करता है, अब जैसे कि समझिए, हमने वर्ड से क्या सेंटेंस लिया, आई एम अ ह्यूमन, ये सेंटेंस लिया। तो एम्बेडिंग क्या करेगा, हर एक वर्ड के साथ एक एक न्यूमरल जोड़ देगा। मतलब आई के साथ 1 जोड़ देगा, एम के साथ 50 जोड़ देगा, अ के साथ 16 जोड़ देगा, ह्यूमन के साथ 100 जोड़ देगा। ऐसे कोई भी वर्ड से उसको आइडेंटिफाई कर देगा, और ये यूनिक रहेगा हर एक वर्ड के लिए। आई का अगर 1 है तो और किसी का 1 नहीं हो सकती एम्बेडिंग। नाउ इस 1 के साथ वो 32 न्यूमरल्स और अटैच करेगा, जिससे कि क्या हो, आगे के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। जैसे आई एम अ ह्यूमन लिखा है तो इसको हम मान रहे हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर वही लिखा होता आई एम नॉट अ ह्यूमन, तो वो उस 32 जो हम एम्बेडिंग्स बनाएंगे, 32 न्यूमरल्स जो और जोड़ेंगे, उसके मिसमैच से वो समझ जाएगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस पर रिप्लाई कैसे करना है। तो ये काम करना है एम्बेडिंग्स। तो यहाँ पे हमने हगिंग फेस एक वेबसाइट है जहाँ पे सब हर एक ह्यूमन आजकल अपना मॉडल बना बना के अपलोड कर देता है। तो उसकी वहां से एक मॉडल उठाया है, ये मॉडल एम्बेडिंग्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एम्बेडिंग्स को बस इनिशियलाइज करा, और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट आता है कि हमारे टेक्स्ट चंक्स को एम्बेड करके अपने में स्टोर करना, अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करना। अब ये वाला स्टेप आता है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, हम लोग अपने टेक्स्ट चंक को लेंगे, उसको एम्बेडिंग से एम्बेड करवाएंगे और लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हमने फेस का यूज करा है। फेस एक फिर से फेसबुक की लाइब्रेरी है जो अलाउ करती है एम्बेडिंग्स क्रिएट करके हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए। अब आप आगे देखेंगे तो डॉक सर्च डॉट सेव लोकल से हमने वो सेम पाथ यूज करा जो हमने ऊपर स्पेसिफाई करा था। नाउ इससे हमारा डेटा लोड हो गया। लोड होने के बाद हमारे पास क्या था, यहां से हमने रिटर्न कर दिया अपना फाइल पाथ। फाइल पाथ रिटर्न हुआ, और रिटर्न होके किसके पास आएगा, रिटर्न होके आएगा फाइल आउटपुट के पास। यहाँ पे फाइल आउटपुट के पास फाइल के सारे पाथ्स आएंगे और वो शो कर देगा कि पाथ क्या है। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चैटबॉट। एक चैटबॉट होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक क्लियर बटन होगा। चैटबॉट हमारा सारी हिस्ट्री दिखाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से आंसर्स कर चुके हैं, ये वो। टेक्स्ट बॉक्स हमारा क्वेश्चंस लेगा, और क्लियर बटन क्या करेगा, हिस्ट्री को क्लियर करेगा। नाउ लेट्स सी कि मैसेज पे जब हम क्लिक करते हैं तब क्या होता है। तो मैसेज डॉट सबमिट जब होगा तो सबसे पहले यूजर फंक्शन कॉल होगा। यूजर फंक्शन में इनपुट जाएगा मैसेज और एक चैटबॉट,
चैटबॉट का एक वेरिएबल। नाउ अंडरस्टैंड, मैसेज में तो वो करंट क्वेश्चन भेजेगा, लेकिन चैटबॉट में क्या भेजेगा? चैटबॉट में वो पिछले सारे क्वेश्चंस भेजेगा, ये एज एन इनपुट भेजेगा। तो यूजर में गए हम, यूजर में करंट मैसेज आया और पिछले सारे क्वेश्चंस आए, मतलब हिस्ट्री आए। अब हिस्ट्री में हम जोड़ देंगे नया क्वेश्चन और जो भी उसका आंसर होगा वो हम एज अ डिक्शनरी यहाँ पे रखते हैं। लेकिन सिंस हमें आंसर नहीं पता तो उसमें अभी हमने नन स्टोर कर दिया, इसका आंसर हम बाद में यहाँ पे अपेंड करेंगे। ये एक हमारी डिक्शनरी बनी है, वो भी लिस्ट, एक लिस्ट है जो कि डिक्शनरी की लिस्ट है। नाउ सबमिट कर दिया, उसके बाद देन अब इसके बाद हमें क्या काम करना है? बॉट फंक्शन को कॉल करना है। बॉट फंक्शन को कॉल करते ही क्या करना है हमें? चैटबॉट को एज एन इनपुट देना है। चैटबॉट मतलब फिर से पुराने सारे क्वेश्चन आंसर्स का इनपुट देना है। तो हमने क्या करा? बॉट फंक्शन को कॉल करा। बॉट फंक्शन में अब हमने यहाँ पे क्या करा? पहले तो जितना भी डेटा हमारे पास था उसको लोड कर लिया। उसके बाद मींस हमारा LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको हमने कैसे स्पेसिफाई करा? हमने लैंगचेन की एक लाइब्रेरी ली जो कि है सी ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी। उसमें हमने अपना मॉडल नेम दिया जिसकी बिन फाइल हमने ऑलरेडी अपने लोकल पे स्टोर कर रखी थी, उसको हमने LLM में लोड करा। LLM वेरिएबल में अब हमारा मॉडल आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? QA बनाएंगे। QA मतलब क्वेश्चन आंसर की चेन बनाएंगे जो कि बनेगी कन्वर्सेशनल रिट्रीवल चेन एक फंक्शन से। ओके, अब इसमें हम दो चीजें क्या क्या देंगे? हम ये कहेंगे कि हमारी जो क्वेरी होगी वो पहले रिट्रीवर से पास होगी, मींस जो हमारा रिट्रीवर है मतलब यहाँ पर जो पुराना डेटा है उसमें से पास होके फिर LLM में जाएगी। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और इससे हमारा आंसर आएगा। तो लेट्स सी आंसर कैसे आता है। अब हमें क्या करना है? QA में अपना क्वेश्चन पास करना है। क्वेश्चन हमने कैसे पास करा? QA को पहले हमने स्पेसिफाई करा कि ये हम अपना क्वेश्चन पास करने जा रहे हैं, और हिस्ट्री का सबसे लास्ट वेरिएबल हमने एज अ क्वेश्चन पास करा, क्योंकि हमने अभी अपेंड करा हिस्ट्री को यहाँ पर, हिस्ट्री में नया वेरिएबल। तो वही सेम चीज हमने इसको पास करी, एकदम न्यूएस्ट जो कि इसका वो है, क्या कहते हैं, न्यूएस्ट जो भी एंट्री होगी वो एज अ क्वेश्चन पास हो जाएगी। और हमने चैट हिस्ट्री पास करी। ये चैट हिस्ट्री एक समझ लीजिए एक वेरिएबल है जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, और बस रैंडमली उसे पास कर दिया, और इससे आंसर हमने ऐसे ब्रैकेट में करके आंसर निकाल दिया। नाउ हम क्या करेंगे? फॉर कैरेक्टर इन बॉट मैसेज, बॉट मैसेज ये है मतलब जो भी हमारा मैसेज आया उसमें हम क्या करेंगे? हिस्ट्री का जो वन वाला वेरिएबल मतलब ये नन वाला पार्ट, नन वाले पार्ट में तो अभी तक कुछ था नहीं, तो वहां पे अब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारे मैसेज को अपेंड करेंगे, और अपेंड करते ही करते साथ साथ हम क्या करेंगे? उसको प्रिंट भी करते रहेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये रिटर्न नहीं कर रहा है हिस्ट्री को, यहाँ पे ये यील्ड कर रहा है हिस्ट्री को। यील्ड मतलब क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम, थोड़ा 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 वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, मतलब एक बार में नहीं रिटर्न कर रहा है, वो एक फॉर लूप में रिटर्न कर रहा है। यील्ड से क्या होगा? हम सीक्वेंशली प्रिंट कर पाएंगे, जैसे कि हम चैट जीपीटी में प्रिंट करते हैं, मतलब पहले एक वर्ड प्रिंट हुआ, फिर दो तीन वर्ड्स प्रिंट हुए, फिर धीरे धीरे, जिससे कि यूजर को वेट ना करना पड़े। तो ये काम हमारा यील्ड करेगा। ये हिस्ट्री कहाँ प्रिंट होगी? हमारे चैटबॉट में, क्योंकि ये आउटपुट वेरिएबल है यहाँ पे, और चैटबॉट में हमारी हिस्ट्री प्रिंट हो जाएगी। तो इससे आप अपना एक खुद का कस्टमाइज चैटबॉट बना सकते हैं, और इंटरव्यू में दिखाने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। इसको रन करने का एक तरीका बता देते हैं कि फर्स्ट आपके सिस्टम में पिप इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पिप इंस्टॉल नहीं है तो आप इस लिंक से पिप इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल करने के बाद आपको पिप इंस्टॉल लैंगचेन लिखना है, जिससे कि लैंगचेन इंस्टॉल हो आपके सिस्टम में। पिप इंस्टॉल ग्रेडियो लिखना है, जिससे कि आपके सिस्टम में ग्रेडियो इंस्टॉल हो। उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपके सेम फोल्डर में ये फाइल हो, जो कि जो फोल्डर आप यूज कर रहे हैं उसी फोल्डर में ये हो। देन आपको एग्जीक्यूट करना है यही पाइथन फाइल यूजिंग द कमांड पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पीवाई, एंड देन जो कि जो भी यहाँ पे लिंक अपीयर होती है, अगर आप वो लिखेंगे तो यहाँ पे एक लिंक अपीयर होगी जस्ट लाइक दिस।
इस लिंक पे क्लिक करना है और फॉलो लिंक करना है, तो इससे आपकी ग्रेडियो की वो इंटरफेस खुल जाएगा, वो वेबसाइट खुल जाएगी जहां पे आपका चैटबॉट है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि ये चैटबॉट हमें रिप्लाई कैसे करता है।